नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में आग उगलने लगा सूरज, ऊना प्रदेश भर में सबसे गर्म, कर्फ्यू जैसे हालात। गर्मी से हर तरफ हाहाकार, चंबा का पारा 36 तो शिमला का 28 डिग्री के पार। गर्मी का सताया पहाड़, ठंड की तलाश में कोल्ड ड्रिंक्स और नींबू पानी का सहारा लेते रहे लोग। अगले दो दिन और भयंकर होगी गर्मी, 31 मई तक निचोड़ देंगे सूर्यदेव, 1 जून से राहत की बौछारें। छात्रा से छेड़छाड़ पर प्रिंसिपल अरेस्ट, अश्लील मैसेज भेजने से गुस्साए लोगों का स्कूल में हंगामा। धर्मशाला में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भागा कैदी दबोचा, पेशी के दौरान भागने की कोशिश में हुआ घायल। हिमाचल कांग्रेस को राहुल की लीडरशिप पर भरोसा, इस्तीफे का फैसला वापस लेने को प्रस्ताव पारित। और हिमाचली कोच राकेश कुमार की टीम बंगलुरु राइनोज इंटरनेशनल प्रीमियम कबड्डी लीग के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में सूरज आग उगलने लगा है। मई महीने के आखिरी दिनों में तंदूर सा तप रहा पहाड़ गर्मी की मार से पसीना पसीना हो गया है। सूरज के सितम के बीच उछला ऊना का पारा बुधवार को 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। इससे दिन के समय लू चलने जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं हिमाचल का औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन भी भट्टी बन गया। बीबीएन का पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर पौंटा साहिब में 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सितम ढहा रही गर्मी जान लेने पर उतारू हो गई है। उधर कांगड़ा के जसूर में भी पारे ने 42 डिग्री की छलांग लगाई है। इसी बीच बिलासपुर का तापमान 41 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुंदरनगर का पारा भी 41 के करीब पहुंच गया है। हिमाचल में बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मैदान तो मैदान, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की सांसें भी गर्मी के सितम से फूल गईं। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कसौली, डलहौजी और चंबा में चली गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। राजधानी की शान रिज और माल रोड दोपहर के वक्त खाली खाली रहे। वहीं मनाली में गर्मी से बचने के लिए सैलानी ब्यास किनारे और घने देवदारों के बीच सुकून तलाशते रहे। इसी बीच मैक्लोडगंज, कसौली और चंबा में दिन भर बाजारों में वीरानी ही छाई रही। धर्मशाला का पारा 32 तो चंबा का पारा 36 डिग्री के पार हो गया। पालमपुर का तापमान 31 तो शिमला का 29 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। आसमान से आग बरसाते सूरज और जमीन से निकलते उबाल के कारण पसीने से तरबतर आम आदमी के लिए तरबूज, नींबू का पानी और गन्ने का रस ठंडक का एहसास करवा रहे हैं। हाल ये है कि गर्मी से बचने के लिए लोग दुकानों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कुल्फी, शरबत, लस्सी और कोल्ड मिल्क भी कुछ हद तक सुकून दे रहे हैं। वहीं गर्मी के मारे लोग प्रदेश भर की खड्डों और नदियों में जमकर डुबकियां लगा रहे हैं। हालांकि इसमें जान का खतरा है, पर इन सबसे बेपरवाह लोग गर्मी के सितम से बचने के लिए हर नुस्खा आजमा रहे हैं। गर्मी के मारे हिमाचल के लिए अभी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन तक और भी ज्यादा खतरनाक गर्मी पड़ेगी। 31 मई तक आसमान से राहत के कोई आसार नहीं है। जून महीने का पहला दिन सूरज के सितम से राहत दिलाएगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 जून से मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। एटर्नल यूनिवर्सिटी बडो साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बडो साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हमीरपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। इससे गुस्साए नाबालिग के परिजनों ने स्कूल में जमकर नारेबाजी कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। मामला दबाने की कोशिश की भनक लगते ही बुधवार को स्कूल पहुंचे गुस्साए सैकड़ों लोग गहमा गहमी और धक्का मुक्की के बीच हाथापाई पर उतारू हो गए। लोगों को उग्र होता देख बड़सर पुलिस ने तुरंत आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। धर्मशाला में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर कैदी फरार हो गया। पेशी के लिए जिला कारागार धर्मशाला से जिला एवं सत्र न्यायालय लाए गए कैदी ने भीड़ का फायदा उठाकर सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया और भाग गया। इस दौरान हड़बड़ी में कैदी विनय कुमार गिर गया और घायल हो गया। वहीं पीछा करते हुए पुलिस कर्मियों ने कैदी को सिविल लाइन में दबोच लिया। कैदी के खिलाफ धर्मशाला थाना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। डीआईजी संतोष पटियाल ने खबर की पुष्टि की है। हिमाचल कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से इस्तीफे का फैसला वापस लेने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकारिणी ने बुधवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कार्य समिति को भेजा है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से देश भर में चुनाव प्रचार किया वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हार के बाद अब हमें एक दूसरे पर लांछन न लगाकर मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करना होगा। हमने कल निर्णय लिया कि हम हिमाचल कांग्रेस जो हमारी कार्य समिति है उनसे हम एकजुटता दिखाते हुए हम यहाँ से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजें और माननीय श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करें कि वो राष्ट्रहित में और कांग्रेस पार्टी के हित में जो है अपने इस्तीफे को वापस लें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी पार्टी अध्यक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हमें राहुल गांधी के मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। आज ही हार कल की जीत, आज ही जीत कल का हार, ये सिलसिला चलता रहता है। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है और मगर हमारे जो विरोधी पार्टी थी उसके पास हमसे कई गुना ज़्यादा साधन, आर्थिक साधन थे। उधर इस सबके बीच पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत उनके कई समर्थक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से नदारद रहे। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल की आवाज सीजन 7 के लिए ऑडिशन डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। सीनियर और जूनियर गायकों के लिए चमकने का शानदार मौका। सेलिब्रिटी गायकों के साथ रंगारंग ग्रैंड फिनाले। पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार, पहला नशा पहला खुमार। आज ही रजिस्टर करें या विजिट करें हिमाचल की आवाज का फेसबुक पेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के काला जीरा और चूली के तेल का जीआई पेटेंट हो गया है। हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के तहत इन दोनों उत्पादों को अब देश भर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और प्रमुख बस स्टैंड पर बेचने की मंजूरी भी मिल गई है। इससे सदियों से औने पौने दाम पर काला जीरा और चूली का तेल बेच रहे उत्पादकों को अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के साथ साथ अच्छी कीमत भी मिलेगी। बता दें कि काला जीरा मुख्य रूप से किन्नौर की सांगला घाटी और पूह, जबकि चूली की पैदावार किन्नौर के साथ साथ शिमला और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में होती है। और अब खेल समाचार। नालागढ़ के दभोटा के कोच राकेश कुमार की टीम बंगलुरु राइनोज ने इंटरनेशनल प्रीमियम कबड्डी लीग में जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।
राकेश के तराशे खिलाड़ी अभी तक 5 मुकाबले जीत चुके हैं जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। बंगलुरु ने पिछले मैच में मुंबई को 36-31 से हराया। जीत के बाद कोच राकेश कुमार ने कहा कि टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा और फाइनल जीतकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाया जाएगा। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट हिमाचल की आवाज सीजन 7 के लिए बुधवार को सोलन में ऑडिशंस हुए। ऑडिशंस में कुल 61 गायकों ने स्वर परीक्षा दी। जूनियर और सीनियर वर्ग में सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला के गायकों में जोरदार कंपटीशन देखने को मिला। ऑडिशन गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हुए। प्रतिभागियों ने हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गीतों पर खूब धमाल मचाया। इस अवसर पर ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज से कृपाल सिंह, होम्योपैथी कॉलेज से विशाल शर्मा, डॉक्टर पवन व जेडी ग्रुप चंडीगढ़ से हरजोत सिंह ढिल्लों, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल गुरुप्रीत माथुर मौजूद रही। यूं तो मैं दिखलाती नहीं, तेरी परवाह करती हूँ मैं माँ, तुझ सब है पता है ना माँ, अनजाने हो तो पर क्यों पहचाने, गीत है पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क के दे डोर वे, इसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, और अब चलते चलते चंबा में एनएच की खस्ता हालत को लेकर खौला खून प्रशासन के खिलाफ लोगों ने दिया धरना। कांगड़ा बाजार में गाड़ी पार्क करने को लेकर पंगा, दिल्ली के युवकों ने पीटे दुकानदार, बाजू टूटी। बिलासपुर के बनेर में दिल्ली के पर्यटकों की गाड़ी गिरी, दो गंभीर रूप से घायल, पीजीआई रेफर। और ऊना में टाइमिंग को लेकर एचआरटीसी के ड्राइवर भिड़े, बीच बचाव को आए कंडक्टर का सिर फटा। हिमाचली तड़का में आज देखिए गायक रजनीश ठाकुर की आवाज में कुल्लवी गीत पर ये शानदार प्रस्तुति। धारी बोला धारी रात भाड़े चेलुआ, धारी बोला धारी रात भाड़े चेलुआ, धारी बोला धारी बाठा भी लोड़ी बोला भूंगे पालौड़ी, सुनू लोड़ी पानी रे बाता भाड़े चेलुआ, सुनू लोड़ी पानी रे बाता भाड़े चेलुआ, सुनू लोड़ी पानी रे चांबियारा बोला तेरी चेलुआ, धारी बोला धारी नीला वाले चेलुआ, धारी बोला धारी नीला वाले चेलुआ, धारी बोला धारी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।